जीवन में भजन अपने साधनों से नहीं आता है। जीवन में भगवत प्राप्ति अपने भजन से भी नहीं होती है। लेकिन ऐसा संत जिसका आधार ही राधा नाम हो, कृष्ण नाम हो, उस किसी महापुरुष का सानिध्य और कृपा मिलना ही जीवन की उपलब्धि है। एक ऐसा संत जो वृंदावन की माटी में पड़ा पड़ा बस कृष्ण को पुकारता हो, राधा रानी को पुकारता हो, ऐसे किसी महत पुरुष का सानिध्य मिल जाना ही भगवान की कृपा है। और ऐसे संत नहीं है, ऐसा नहीं है, हैं, पर अपने आप को छुपा करके रखे हैं, कहीं कोई जान न ले, कोई पहचान न ले, कहीं मेरी भक्ति में ये सब बाधा न बन जाए। साधारण वेश, हाँ, चेहरा जरूर दिखा देता है किसके जीवन में भजन के अलावा और कुछ भी नहीं। उसकी आंखों की चमक, उसकी आंखों की करुणा, दर्शाती है कि सचमुच इन्होंने कुछ पाया है। लगता है मानो श्री कृष्ण इनके साथ खेलते होंगे, राधा रानी इनके साथ लीलाएं करती होंगी। श्री गिरिराज गोवर्धन में जब रघुनाथ दास गोस्वामी भजन करने बैठ जाते थे, ऐसा वर्णन है कि 24 घंटे में से केवल 2 घंटे सोते थे और बाकी समय भगवान नाम जाप करते थे। माला लेके बैठे हैं बाहर कुटिया के, बहुत धूप पड़ रही है, पसीना निकल रहा है, पर होश नहीं है कि मुझे गर्मी से भीतर जाना है। और तब अपने उस शरणागत की सेवा करने के लिए राधा रानी प्रकट होती है और भजन करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर अपनी चुनरी का पल्लू निकाल करके उनके सर पर उड़ा देती। कौन कहता है कि भक्त ही अपने इष्ट की सेवा करता है, कभी कभी भगवान भी अपने भक्त की सेवा करते हैं। तेर कदम रूप गोस्वामी पाद भजन करते हैं। एक दिन भाई सनातन आ गए,
तो मन में भाव जागा कि भाई आया है, मैं उसको आज खीर बना करके खिलाऊं। पर वैरागी आदमी किसी चीज़ का संचय नहीं करते थे, कुटिया में कुछ नहीं रहता था, कहाँ से खीर लाऊं। तो अपने प्रेमी की इच्छा पूरी करने के लिए श्री राधा रानी आज एक छोटी सी लाली के रूप में आ गई। हाथ में डब्बा लगा है और ला करके कहती है, अरे बाबा, ओ बाबा सुन, देख मैं तेरे ताई खीर लाई। बाबा बोले, लाली तू कौन है, यहां कैसे आई? बोली, बाबा अरे मैं खेलवे को आ रही थी तो मेरी मैया बोली जा वो बाबा जी रहे ना बाहर गांव के बाहर बाकू खीर दिया। तो बाबा मैया ने तेरे लिया भिजवाई है या खीर को तू पा लीजो। और खीर दे के राधा रानी चली गई। रूप गोस्वामी तो समझ नहीं पाए, लेकिन जब उस खीर को सनातन गोस्वामी ने ग्रहण किया, मुंह में जाते ही समझ गए कि ये खीर किसी बालिका की नहीं है, इसके खीर में जो स्वाद है वो तो स्वयं श्री राधा रानी के हाथ का स्वाद है। जा उस बालिका को ढूंढ के ला। और रूप भागने लगे उस बालिका को ढूंढने के लिए, पर वो कहीं नहीं मिली। ब्रज के एक दो नहीं, ऐसे कितने संत हैं जिनको साक्षात अनुभव होता है। तो हमें ना हो, लेकिन जिन संतों को हुआ है ऐसे संतों का सानिध्य भी मिल जाए। जिनको आज भी श्री राधा रानी की पायल सुनाई देती है, कृष्ण की। वेणु सुनाई देती है। ब्रज धाम ही ऐसा है जहां पड़े रहने से एक ना एक दिन जो पुकार है वो श्री कृष्ण तक पहुंच ही जाती है।